हेलो गाइस, वेलकम टू इट्स ओके क्लासेस। जैसा कि आप सबसे बोला गया था कि एग्ज़ाम के बाद से आपकी कंप्यूटर और मैथ्स की क्लासेस रेगुलर स्टार्ट करी जाएंगी, तो फाइनली आपकी कंप्यूटर क्लास कल से स्टार्ट हो चुकी है। आप यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। आज से आपकी मैथ्स की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी और इन क्लासेस का जो शेड्यूल रहेगा, टाइम टेबल रहेगा, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया गया है। आप वहाँ जाके देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है इट्स ओके क्लासेस। इसके बाद अगर वो आपको वीडियो देखना है टाइम टेबल का, तो वो भी डेडिकेटेड वीडियो एक बना के डाल दिया गया है चैनल पे, आप उसे भी देख सकते हैं। आज फर्स्ट क्लास है मैथ की, तो हम लोग बस सिर्फ थोड़ी बहुत बातें करेंगे और सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो आपके सिलेबस में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप सभी ने पढ़ा नहीं है। इस BTC से आप 8th तक के टीचर बनेंगे, DLED से आप 8th क्लास तक के टीचर बन सकते हैं। तो इसमें जो मैथ्स का सिलेबस है वो भी 8th क्लास तक का ही है, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं आगे चल के जो भी टर्म्स यूज़ करने वाला हूँ, जो भी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, वो आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं ज़रूर सुनी होंगी। और उन बच्चों को भी परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है जिनके पास्ट में मैथ नहीं थी, जिन लोगों ने 9th में मैथ छोड़ दी थी। क्योंकि इसमें जो भी पढ़ाया जाएगा वो सिर्फ बेसिक है, और वो जो बेसिक है वो सभी ने क्लास 8th तक तो पढ़ा ही है। तो जो भी कुछ नया नहीं सीखना आपको, जो पुराना है आपके पास, बस उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे और आप एकदम अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। तो आइए चलिए आज सिलेबस डिस्कस करते हैं पहली क्लास में। नेक्स्ट क्लास से एकदम शेड्यूल्ड तरीके से, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपनी क्लासेस कंटिन्यू चलेंगी। तो अपने सिलेबस में फर्स्ट जो चैप्टर है वो है संख्या तथा संख्यांक का बोध, अंकों का ज्ञान, स्थानीय मान। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, अंकों का ज्ञान करेंगे, अंकों के बारे में जो भी कुछ है वो बताया जाएगा। इसके बाद स्थानीय मान, इससे क्वेश्चंस आते हैं, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक आता है या फिर एक नंबर में क्वेश्चन आता है। उसमें आपको एक नंबर दिया होगा, उसमें आपसे पूछा जाएगा कि इस संख्या में इस अंक का स्थानीय मान कितना है। स्थानीय मान का अर्थ होता है किसी भी संख्या में उस संख्या का स्थान किस जगह पर है, उस स्थान का मान बताना होता है। हम लोग पहले चैप्टर में स्थानीय मान पढ़ेंगे, संख्याओं के कितने प्रकार होते हैं वो पढ़ेंगे। इसके बाद आपका दूसरा चैप्टर है गुणा तथा भाग की संकल्पनाएं। इसमें हम लोग गुणा कैसे करते हैं तो देखो सभी को पता है, बस वही पढ़ना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। भाग में कुछ फैक्ट, कुछ टर्म्स हैं, भाज्य हुआ, भाजक हुआ, शेषफल हुआ, भागफल हुआ, ये टर्म्स पढ़ेंगे। और गुणा तथा भाग की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन पर बात करेंगे। इसके बाद आपका थर्ड चैप्टर है भिन्न की संकल्पना। भिन्न की संकल्पना से अर्थ है भिन्न क्या होती है, जिसमें अंश और हर है वो भिन्न है, PYQ के फॉर्म में लिखी जा सकती है। भिन्न के कई सारे प्रकार हैं, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्रित भिन्न, वो सारा कुछ पढ़ेंगे। गणितीय संक्रियाएं, भिन्नों का जोड़ना, भिन्नों का घटाना, भिन्नों का गुणा करना, भिन्नों का भाग करना। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर है दशमलव संख्या की अवधारणा। दशमलव संख्या क्या होती है, दशमलव संख्या में कैसे गुणा करते हैं, कैसे भाग करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। और दशमलव संख्या में जो अंक प्रयुक्त होते हैं उनके स्थानीय मान साधारण संख्या से थोड़े से भिन्न होते हैं वो पढ़ेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर है जो अपवर्तक विभाजक, अपवर्त, गुणज, समापवर्त की अवधारणा। इसमें हम लोग किसी भी नंबर के मल्टीपल्स पढ़ेंगे, गुणनखंड पढ़ेंगे, फैक्टर्स पढ़ेंगे, गुणज पढ़ेंगे, गुणनखंड पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका है लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्त। इसमें हम लोग LCM और HCF पढ़ेंगे। और इसमें एक टॉपिक और दिया है भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं का अर्थ। इसमें हम लोग इस बारे में भी बात करेंगे कि भाज्य संख्याएं कौन सी हैं, अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं। ये चीज़ें हम लोग दो बार पढ़ेंगे। पहले हम लोग, मैंने बताया था आपको कि संख्या कितने प्रकार की होती है, कितने उसके प्रकार होते हैं, ये फर्स्ट चैप्टर में भी है। जैसा कि आप सभी ने देखा संख्या तथा संख्यांक का बोध, और वही इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे हम लोग कि भाज्य तथा अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है, नेक्स्ट चैप्टर जो आपका है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रतिशत। इससे ज़रूर एक या दो सवाल आते हैं एग्ज़ाम में, और ये सिर्फ BTC के एग्ज़ाम के लिए ही हेल्पफुल नहीं है, ये आने वाले हर एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम दोगे, हर एग्ज़ाम में इससे कुछ ना कुछ सवाल पूछे जाते हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत क्या है, प्रतिशत के बारे में जानेंगे, प्रतिशत कैसे निकालना है, ये सारा कुछ जानेंगे, बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपका अगला चैप्टर है अवर्गीकृत आंकड़ों का पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ तथा पाई ग्राफ द्वारा निरूपण। बच्चे इसे सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन आपके पेपर में
हर 18वां क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन होता है आपके हर पेपर में, जो लास्ट क्वेश्चन होता है वो हमेशा यही आता है, पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, पाई ग्राफ। आपको आंकड़े दिए होंगे, आपको उन आंकड़ों को उठा के ग्राफ में निरूपित करना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो है टॉपिक वो है सजातीय तथा विजातीय बीजगणितीय व्यंजकों का बोध, इनका जोड़ तथा घटाना। सजातीय मतलब अगर व्यंजक, अगर एक व्यंजक में चर है तो उसकी घातें समान हैं तो वो सजातीय है, अगर घातें असमान हैं तो विजातीय है। ये सब कुछ एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद अगला टॉपिक है तल, तलखंड, बिंदु, रेखा, वक्र, रेखाखंड, किरण तथा कोण की संकल्पना। यहाँ से आपका ज्यामिति वाला चैप्टर शुरू होता है। इसमें ज्यामिति में ज़्यादा अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ आपको डेफिनेशंस देखनी है, आपको आकृति के बारे में समझना है कि किसकी आकृति कैसी होती है, अगर आपको रेखा बनानी है तो रेखा पे कितने बिंदु हो सकते हैं, यही सब। इसके बाद अगला टॉपिक है पटरी तथा प्रकार की सहायता से 60 डिग्री, 90 डिग्री तथा 120 डिग्री का कोण बनाना। पटरी तथा प्रकार की सहायता से कोण बनाना आता है एग्ज़ाम में। हम लोग 60 डिग्री का, 30 डिग्री का, 15 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का, 120 डिग्री का, 180 डिग्री का, जितने भी एंगल्स हैं सारे कुछ सीखेंगे एकदम अच्छे, एकदम एकदम साधारण, एकदम सिंपल तरीके से, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कोण के प्रकार। कोण कितने प्रकार के होते हैं, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, कोण के जितने भी प्रकार हैं वो पढ़ेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है त्रिभुज, आयत, वर्ग तथा वृत्त की अवधारणा तथा इनके अंगों की जानकारी। इस चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे कि त्रिभुज के कितने अंग हैं, त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं, त्रिभुज में कितने कोण हैं, वृत्त में कितनी भुजाएं हैं, वृत्त में कितनी कोण हैं, वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, वृत्त का परिमाप क्या है, वृत्त का विकर्ण कैसे निकालते हैं, जो भी कुछ है सारा कुछ पढ़ेंगे। इसके बाद आपका लास्ट चैप्टर है परिमिति का अर्थ। हो सकता है आप में से काफ़ी बच्चों को परिमिति ना समझ में आ रहा हो, तो यहाँ पे परिमिति का अर्थ है परिमाप से, जो कि आप सभी लोगों को पता है कि आपने सभी लोगों ने परिमाप सुना है। तो हम लोग यहाँ पे त्रिभुज, वर्ग, आयत, वृत्त, चित सभी की परिमाप निकालेंगे, परिमाप का अर्थ क्या होता है वो समझेंगे। फाइनली आपका ये सिलेबस था जो हम लोगों को आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ना है। आप लोग या तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर जो सिलेबस की एक पीडीएफ पड़ी है, फ़ोटो पड़ी है, आप उसको, या फिर आप इससे भी स्क्रीनशॉट लेके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग ले लिया, आप इसे सिलेबस को या तो प्रिंट आउट इसका निकलवा लीजिए या फिर कहीं नोट डाउन कर लीजिए, या फिर आप इसे फ़ोन में ही बना रह दीजिए, लेकिन आप जैसे ही एक टॉपिक ख़त्म हो तो आप इस पर टिक लगाते चलिए। हम लोगों के पढ़ने का तरीका यही रहेगा कि हम लोग सबसे पहले एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे, उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आए हैं फिर वो डिस्कस करेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड, और इसके बाद टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर जब सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे फिर हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, और आपकी एग्ज़ाम तक इतनी अच्छी तैयारी हो जाएगी कि आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना पड़ेगा, और एग्ज़ाम में आप 25 में से 25 नंबर स्कोर करोगे। गुड लक दोस्तों, थैंक यू।